अंदर लिखा है हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू। पढ़ने में क्या लिखा है इसके अंदर? टॉप सीक्रेट। ये तो ऐसा भारी सरप्राइज होगा, ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग व्लॉग। आज टू टू बॉल्स। आज सुबह का दिन चालू हो रहा है, पराठे खा के, फूडी संडे, आलू पराठे, साथ में पड़ा है थोड़ा सा जीरा और नमक, दो दो बॉल पता नहीं क्यों, दो मिर्ची, दो पराठे और साथ में हरी चटनी, और इसमें बटर डाल दिया और इसमें मक्खन तैर रहा है, मक्खन की नदियां तैर रही है। यस, वो एक्चुअली मैंने बटर ना वो एक पराठा बन गया फिर दूसरा गर्मा गर्म लाइफ इज गुड दोनों पे कर दिया। नाइस, चलो थैंक यू। ये एक्स्ट्रा चटनी और ये एक्स्ट्रा बटर जस्ट इन केस। ओके, कूल 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 कूल। मम्मा ने बोला कि कोई कुकी है, इतनी सारे डिब्बे पड़े घर में। देखो अभी दिवाली गई है तो सबके घर में इतने सारे ऑप्शन। मैं वही तो देखा पड़ेगा, एक बोला एक या दो, ये तो आठ दस डिब्बे लग रहे हैं, बेकरी खोल ले। दो तीन और ऑप्शन है वो पीछे थे, फैम वाले, फैम वाले पड़े हुए खुले हुए, वो बाप रे खा रहे थे। वो भी है, फैम भी है, एक और भी है। कितने बिस्किट आए हुए यार, ये तो बताओ। मेरे को तो हंसी आ गई, मैं ब्लॉग ही करो यार ऐसे, तो सारे उठा के ले ढूंढ के। उसको बोला एक डिब्बा कौन से खाओगे आज, किसका दिन? नमक वाले तो जीरा वाले, ये तो मीठे हैं, चना आलमंड। हाँ, चना आलमंड वाले खा लो, ये तो मीठे हैं, ये तो वो है ना बाइट है, जैसे मेवा बाइट्स नहीं। हाँ ठीक है, चना आलमंड बाइट्स अच्छी होती है। ये चाय पूरी है, चाय के साथ खाने वाली, इसमें वो है तिल सीड्स ऊपर लगी, ये चॉकलेट और काजू वाली कुकीज़, वो तो गायन को खा ले, इलायची बिस्किट्स है और ये कैपेचिनो वेफर्स है। फिर तुम लोग हमें बिस्किट ही खाने हैं। अरे अभी मैंने उसका करा वो लेके इतने सारे आ गए, मैं इतने सारे डिब्बे पड़े, कहते पापा जी अब एक दो और पड़े हुए। ये अच्छी नई तरीके की चीज है, चाय पूरी चल जाते है ना साथ में, ये वो है छोटी पतली मट्ठी मसाले वाले, थोड़ा मम्मा के साथ है ना नमक पारा टाइप का, उसको इसको वो कर लो माइक्रो, हाँ माइक्रो या वो एयर फ्रायर में, हाँ माइक्रो से होगा, एयर फ्रायर दो ना थोड़ी तो मम्मा खाएंगी, ये तो छोटी कटोरी में डाल दो ना, दो दो कटोरी माइक्रो करना बेटा। हाँ ये ले बेटा, हाँ तुम, मैं दो और दे देता हूँ पीस, ये दे दो चार तुम भी खा के देखो, कटोरी में डाल, ये लो चलो। स्टूडेंट मैंने मम्मा को बताया, मैं आपका कोई स्टूडेंट था, वो क्या नाम था लड़के का? हर्ष। और इतना खुश हो गया ना, करे मैम ने ये कंपटीशन जिताया, ये जिताया। हाँ वो होता है ना वो पूरी बात, थैंक यू मैम दो तीन बार बोला। चलो भाई, गॉड ब्लेस यू बेटा। वो अपने कोई और वो बैचमेट का भी नाम बता रहे थे। हाँ वो मैंने मम्मा कल वो लेट हो गए थे ना, मैंने मम्मा को बताया, मैं कहा देखना आप। गॉड ब्लेस यू बेटा, जितने स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो व्लॉग, अभी हम लोग जा रहे हैं, कमाक्षी के एक ऑफिस कोलीग हैं, उनके बीबी हुए तो बधाई देने जा रहे हैं। कमाक्षी अभी गई हुई है गिफ्ट वगैरह रैप करवाने, और मैं बहुत ही जरूरी काम कर रहा था, गाड़ी की जो चाबी है वो कीलेस एंट्री वाली ना, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो लिटरली अब ये हालत हो गई थी कि वो कीलेस एंट्री को मैं एक वो नॉर्मल वाली जो चाबी है ना उसकी तरह यूज कर रहा था, और बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैं क्या हुआ, जैसे ये चाबी निकल जाती है तो इससे दरवाजा खुल जाता है ड्राइवर साइड का, और मतलब कभी आपकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो ना तो एकदम SOS सर्कमस्टांस में, तो वो था। अब फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था, फिर जब वो यूट्यूब के इवेंट में गया पता, तो वहाँ पे गुड़गांव में गैलेरिया मार्केट में मैंने एक बंदे से पूछा, वो कहते भैया गए हैं आधा घंटा लगेगा, वो 10-15 मिनट वेट करी उनकी, फिर वो आए नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है बाद में करा लेंगे, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं लगा, अब जाके ये हुई है। अब इसका ये हो जाता है कि बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तो कभी गाड़ी ऑन ऑन करनी हो तो ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है ना, बिल्कुल इस पे ऐसे चिपकानी पड़ती है, तो बिल्कुल इसको ना यहाँ से ऐसे पकड़ के चिपकानी पड़ती है, और बिल्कुल ऐसे ना NFC टाइप से, टेक्नोलॉजी टाइप से चलता है यार, कभी कभार नहीं चलता, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो मैंने आज फाइनली वो चीज करवा लिया, सेल चेंज।
खोल दिया। हेलो, हेलो ब्लॉग, हेलो ब्लॉग, मैंने सेल्फी चेंज करा लिया। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कमाक्षी आल्सो नोज दैट, वो चीज। अब मैं इसको चाबी को पॉकेट में डाल सकता हूँ। कभी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है ना, फिर पॉकेट से निकालनी पड़ती है, फिर टच करना पड़ता है। वो जो आपको बता रहा था ना, स्टार्ट स्टॉप बटन से। ओके, चलिए अब हम लोग। हेलो, बाय अखिल, चलो कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने डिक्के में सामान रख दिया और किसी को पता नहीं है। तो इन्होंने भी मेरी गाड़ी में तो यही करा है, ऐसे सामान डाल दिया। गलत बात। खराब होने के बाद पता नहीं। खराब होने हमें पता है, सेकंड रो में कुछ पड़ा है। चलो जी, हम लोग बेबी से मिलाए। बहुत ही छोटू बेबी था ना। बेबी तो छोटे ही होते हैं ना। वेरी क्यूट सा था ना वो, तो वेरी मतलब वेरी वेरी यंग बॉर्न, यंग बॉर्न कह रहा हूँ, एकदम ही न्यू बॉर्न बेबी था ना वो। नाइस बट सो क्यूट, क्यूट। अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू टुका है। यस, नाइस। ये हमारे वो दिवाली पार्टी वाले फ्रेंड्स हैं, अब हम उनके साथ जा रहे हैं। रोहिणी वाला ब्लू टुका है, मैं उस दिन गैलरी वाले ब्लू टुका में बैठा ना, तो मुझे नहीं मजा आया, ठीक है, पर अपना रोहिणी वाला ब्लू टुका मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या आपकी कॉफी आट नहीं अच्छी बनी? मेरी तो अच्छी बनी है। अब ये ले लो यार। मेरी भी लो, अगर किसी को भी लो। ये बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी वो नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ। वो NBC जयपुर का ही तो है वो, नथिंग बट कॉफी जो खुला हुआ है हर जगह पे, जयपुर का है। हाँ, आ गए जी, आ गए जी, बधाई दिया है। छोटे छोटे बेबी से मिला है, क्यूट क्यूट सा बेबी, क्यूट क्यूट सा बेबी। ये लो मिठाई खाओ उसकी खुशी में। कभी गॉड ब्लेस। यस, लड्डू खाओ, लड्डू। आओ भाई, लड्डू ही ट्रेडिशनल, मोटा लड्डू ही होते हैं भाई। हाँ, बधाई के लड्डू ही होते हैं। यस, ले लड्डू खा। हमने भी तुम्हारे क्या तो बोले, लड्डू ही बांटे हुए हैं दादी माँ ने। ये मेरा गाय पोता हुआ, ये मेरा तन में पोता हुआ, तो लड्डू ही बांटते हैं। तो यही होता है, लड्डू बांटते हमने ज्यादा। यस यस, नाइस। पंचर के लड्डू, पंचर के लड्डू तो मशहूर है, पंचर के लड्डू तो मशहूर है। मैं इसको बोल रहा हूँ, बेबी तो छोटा ही होगा ना, मोटो बेबी छोटा ही होगा। छोटा देखा ना, तो मैं भी छोटी थी, तो वो छोटा तो था पर इतना लगता नहीं था। अब हम बड़े हो गए तो छोटा बच्चा, वो एकदम ऐसे छोटे छोटे सा था ना। चलो नाइस, एंजॉय करा। हमने ना वहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा ब्लॉग नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सबका अपना अपना प्राइवेसी और वो सब चीज होती है ना, बट बड़ा मजा आया, मजा आया, एंजॉय करा। ब्लूटूथ से फुल कॉफी पी के आज वो खाई मैंने, आलमंड कुकी ना, बड़े मस्त थी। आई थिंक मेरे को रास्पबेरी उसका मैस्कारपोन का वो मिल गया रिप्लेसमेंट। ग्वावा वाला जो है ना, ये फ्लेवर ये तेरे लिए बेटा, ये पता क्या है, वो रियल का जो ग्वावा जूस है ये तेरे लिए है, बोल तो। रियल का ग्वावा जूस तुम ही खाओ, चॉकलेट का बस 2 सेकंड कटे, उसके बाद चटाक। पूरे डब्बे में 4 पैकेट, उसमें से मेरे को समझ नहीं आया क्या सोच के ब्रांड वालों ने 2 ग्वावा वाले डाल दिए, क्योंकि पता है उनको कि सब यही पसंद करते हैं, सब यही पसंद है। नहीं, सब यही पसंद करते हैं भाई। दिस ग्वावा इज वेरी नाइस, पापा को भी अच्छा लगेगा शायद। ये खाई आपने चॉकलेट? बड़ी अलग है, ग्वावा वाली है भाई, पता कैसी है? पता है, मैं तो चॉकलेट नहीं बोल रहा वैसे, ये जैसे रियल का ग्वावा जूस उसकी चॉकलेट, तो एकदम हल्का मीठा, हल्का वो क्या बोलते हैं ग्वावा का, वो जैसे ग्वावा पे चिली डालते हैं ना वैसा वाला फ्लेवर, बड़ा ही डिफरेंट सा फ्लेवर है वो, चिली ग्वावा टाइप्स है। नाइस नाइस, अच्छा डिफरेंट अनोखी चीज तो मैंने बनाया आपको, पर यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। ओके, ऑलराइट, एज यू प्लीज। ये तो मुझे ग्वावा वाला तो बड़ा सही लगा, ये पिकू का है। मैंने रंगे हाथों जो है ना कैच कर लिया। ओहो, पिकू तेरे को बंद कर दिया था अंदर इसने।
देखो चिंता मत कर, मैंने ये ना इस पे ब्लॉग में कैप्चर कर लिया कि कमाक्षी ने पिंकू को करा कमरे में बंद। देख लो कैसे होता है, कैसे होता है शादी के बाद यार, क्या करे है ना। कोई बात नहीं, enjoy 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 the change enjoy the change। आज हम एकत्रित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ओ क्या वो टचवुड दोनों इकट्ठे ही बोल रहे स्क्रैबल। मैं तो सोचा था वो मोनोपोली मनु भी बोला ले। ये भाभी पूछ रही कि आज सब लोग इधर एकत्रित हुए हैं, क्या बात है। सब लोग इधर ही करते रहते खेल लेना, चलो 3 मिनट बाद खेल लेना स्क्रैबल। मैंने कहा ये मैं कहा ये दिस इज टॉप सीक्रेट व्हिच इज 3 मिनट बाद स्क्रैबल खेल लेना, दिस इज द टॉप सीक्रेट व्हिच इज नोन टू एवरीवन। पर बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो आ गए अपने नाइट सूट में। पिकू तू क्यों ड्रेस अप होकर आया? अभी मैं तो वो गया था ना, तो मैं तभी से रेडी हूं, मैंने चेंज ही नहीं किया। तू रेडी है, चेंज नहीं किया? आजा हैप्पी बर्थडे। चलो अब खेल लो भाई अपनी स्क्रैबल स्क्रूबल जो आपने कोट एंड कोट जो सुंदर लिखा है। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस। पढ़ने में क्या लिखा है इसके अंदर? टॉप सीक्रेट मम्मा ने लिखा है, समझ गया? बताना नहीं किसी को। ये क्या है? खोलो। इसमें क्या है? लेट मी सी। हाँ मैं 10 मिनट में आता हूँ। ऐसा क्या है जो डब्बे में आया और वैसे नहीं है? पता नहीं क्या है। क्या है इसे तू तेरा काट? क्या होगा? कलाकंद। नाइस। अरे ये कलाकंद नहीं मंगवाया था? ये कौन सा डिब्बा है ये जो तूने लिया? इस पे लिखा हुआ गुलाब जामुन था डब्बे के बाहर। मैंने तो चेक किया बाहर गुलाब जामुन। व्हाट इज दिस? मैंने गुलाब जामुन ऑर्डर करा पापा। मैंने तो कहा कोई डिब्बा डुबाया मम्मा। मैंने तो गुलाब जामुन गुलाब का ना हां जामुन ही आए थे डब्बे पे, बाहर भी गुलाब जामुन लिखा है। नहीं मम्मा सच्ची, मैंने भैया से कहा ना कि गुलाब जामुन है, बिग डील का ना। दादा जी मुझे लगा इन्होंने पैकिंग चेंज कर दी तो प्रैंक करते हैं, तो मैं इसलिए ऐसे लहंगे खोलूं। मुझे सच में लगा कभी कहीं इसलिए तो नहीं, इसलिए तो बरोबर मान कर दिया चेंज हो गया होगा क्योंकि ना बाहर पर्ची गुलाब जामुन की लगी है, गुलाब जामुन की लगी हुई है। मैंने भी भाई देखा तो ये फिर चलो कोई नहीं, कलर 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 दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, पर्ची भी गुलाब जामुन की चेंज कर दिया भी। ये तो ऐसा ऐसा भारी सरप्राइज हो गया, ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज हो गया। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। गुलाब वालों ने सरप्राइज दे दिया। मैंने सोचा उसने प्रैंक करा, मैं ऐसे तो नहीं करे, ये होगा कि और डिब्बा आया होगा तो वो गलती से ले आई। चलो मैंने गिफ्ट रैप के लिए तो बोला नहीं था, मैं वही सोचू ऐसा, लेकिन उसके ऊपर अगर पर्ची लगी। हाँ जी ये तो उन्होंने तेरे साथ प्रैंक कर दिया जोमेटो वाले ने। I have been pranked, ultimate prank. भाई क्या नाम है इससे मंगा? गुलाब से गुलाब बोला हमारे साथ वो प्रैंक प्रैंक करता, हम ही कर लेते हैं। पर ये मंगाया तो मैंने यार, तेरा नाम भी नहीं इस पे। पापा ये पापा बाजी के सपुत्र के लिए जा रहे हैं। तो टॉप पे देखो ये गुलाब जामुन लिखा है, वरना आमतौर पे ऐसे वो नहीं होता। आज तो हमारे पास प्रॉपर प्रूफ भी है। पापा जी ने ड्राई वाले गुलाब। मित्र मंडली से एक एक बंदा तो इधर ही आ गया। भाई बोल रहा था ना कमाची तो नीचे आती थी 12 बजे, तेरे को नीचे जाने की जरूरत है। अब वो घर में ही है। नहीं नहीं अब पहला वो कैसे बर्थडे है जब कमाक्षी हमारे घर में ही है, नीचे आती थी। देन नहीं नीचे आ जा भाई, मेरे को उसको छोड़ के नहीं आना भैया, बताना मत ना। मम्मा एक बार तो ये लोग आ गए थे ना मेरे कॉलेज वाले दोस्त, सुबह सुबह आ गए थे, सुबह 7 बजे आ गए थे, 6 बजे सुबह जब तुमने आके गुब्बारे फुलाए थे, छत में गुब्बारे फुलाए। नमन स्वाति पुरुषोत्तम ऋषिका, वो एक तो वही था जिसके साथ पिज्जा खाया था हमने, वही दोस्त मेरा नमन और पुरुषोत्तम स्वाति जो शादी पे आए थे। हाँ छत पे उधर और मुझे ये लोग मुझे इन्वॉल्व किया था। हाँ हाँ मम्मा के साथ इन्वॉल्व करा था।
थोड़ी ठंड हो गई है। यस यार, ये तो बड़ा प्रैंक कर दिया ज़ोमैटो ने हमारे साथ। पर ज़ोमैटो सही है, तू तो सही में शॉक हो गया ना। मैं सोचूं क्या मंगवाया वो जोधपुरी लड्डू, मैं सोचूं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, जोधपुरी लड्डू क्यों मंगवाएंगे बर्थडे पे, पता नहीं क्या। हाँ मतलब पसंद पसंद है, बट ठीक है चलो। बहुत जल्दी के निकले हुए, आज तो ओजी पोलो, आज तो ओजी पोलो, आज ये पोलो में कैसे आया, आज आप पोलो में कैसे आया, पहला दूसरा है गढ़वाल का। पूछ इससे केक बार 2 हो रहा है, 3 हो रहा, 4 हो रहा है। ये इस केक के पैसे सीनी ने दिए भी है कि नहीं दिए, तो डिपेंडिंग ऑन केक को पार्टी। ये ब्लूबेरी चीज केक क्यों नहीं है सीनी, क्यों नहीं है, मतलब क्या भाई बर्थडे पे जो मिलता है उसको ले लेना चाहिए। नहीं नहीं, अब तो पार्टी फिर, नहीं फरमाइश है, अब तो पार्टी फिर तेरे को, अब मैं थोड़ी कम दूंगा। तुम जियो हजारों साल के दिन। थैंक यू, बैकग्राउंड मेरे बना दे काफी बड़े। हां सीनियर यार, ब्लूबेरी चीज केक तो तेरे को खाना होता है मेरे बर्थडे पे हर साल, क्यों नहीं खुद ही खा रहा है। देखो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा तुम लोग आए, कल मैं पार्टी देना चाहता था बट तुम्हारा ऑफिस है, धंधा खराब ना हो इसलिए मैं पार्टी नहीं दे रहा। नहीं नहीं, तू ऑफिस छोड़ के थोड़ी आएगा बर्थडे के लिए। कौन सा वाला बिजनेस, एक्चुअल वाला। हेलो, मैंने गार्ड भैया से पूछा यहाँ पानी किस चीज का भरा रहता है, दो बार पूछा, गार्ड भैया देखा सो रहे हैं। चलो क्या पीना है, थर्ड वेव। मैंने तो यार अभी कॉफी पी है, मैं तो नहीं, आई विल स्किप। यहाँ पे तुम लोग केक क्यों लेके आए हो, भाई वो अलाउ नहीं करते। यहाँ से कुछ भी मंगवा लो यही ट्रीट है, एडवांस है। यहाँ से कुछ भी मंगवा लो यही ट्रीट, हर बंदे के लिए दो चीजें, हर बंदे के लिए दो चीजें, हर बंदे के लिए दो चीज। सुन, जैसी पार्टी तूने दी थी ना उस हिसाब से बहुत अच्छी। थर्ड वेव एज अ न्यू केक, ओ न्यू क्रोसां, गुलाब जामुन चीज के, ये इसके अंदर गुलाब जामुन रहता है, बहुत बढ़िया। केक वाज नाइस, हम पूरा केक कॉफी पीते पीते खा रहे। ये मैं भूल गई थी, सैनी ने याद दिलाया। यही पार्टी थी भाई, अब यही पार्टी थी बस, सैनी के तो सही में यही थी।